एक बात याद रखना एवरल, जितनी ज्यादा संस्कारी चिकन उतने ज्यादा पंख। गांव के लोगों के जैसे। अरे छूट गया। गांव के लोग जेल देखने आए हैं मिस बेटी। क्या तुम इस मुर्गे का ध्यान रखोगे? नहीं नहीं, हमें मुर्गियाँ ज्यादा पसंद है। पानी का टेंशन नहीं है, दिन के 24 घंटे आते हैं। झूठा जेलर है। एक बात बताओ भाइयों, हमारे पास चिपकाने वाला गम होगा क्या? हम अपने शरीर पर पंख चिपकाकर गांव के लोग बन जाएंगे, फिर उनके साथ बाहर निकल जाएंगे और आजाद है। रेगिस्तान में रास्ता कैसे ढूंढेंगे? बेवकूफ, पैरों के निशान को फॉलो करके रेगिस्तान पार करेंगे। हमारी तरफ से संस्कारी गुड बाय। फ्री का खाने जरूर वापस आना। रुको रुको, हमें जाने दो, हम उनके साथ ही हैं, थोड़ा लेट हो गए। मेरे एलियन गांव वाले, मेरे एलियन गांव वाले मुझे लेने के लिए आ गए हैं। ये देखो पैरों का निशान, इनका पीछा करते करते हम घर पहुंच जाएंगे। और फिर आजाद है। ये चिलगोजा या क्या कर रहा है? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? जाओ वापस। इतनी आसानी से नहीं जाने वाला हूँ, मेरी नजर तुम पर रहेगी। मुझे नहीं, तूफान। इसके पंख निकल रहे हैं, मैं जमा करता हूँ इन्हें। अरे तुमने देखा, तूफान ने पैरों के निशान मिटा दिए। हमारा घर ईस्ट में, चलो उस तरफ। ईस्ट कहाँ पर है? ईस्ट नॉर्थ के एग्जैक्ट क्रॉस में होता है। हाँ। और ये नॉर्थ कहाँ है? नॉर्थ साउथ के अपोजिट में है। और साउथ किधर है? चलो इस तरफ जाते हैं। ये लुका छिपी खेलने का वक्त नहीं है। मुर्गियों कहाँ पर हो तुम? पक, 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 पक। हाँ, ये क्या है? कहीं उन मुर्गियों का घर तो नहीं है? ए, तुमने मेरी मुर्गियों को देखा है क्या? मैं इसे जानता हूँ, ये वही जेल वाला डॉगी है, अपनी अलग दुनिया में रहता है। शायद इसकी मुर्गियाँ उस डरावने रेगिस्तान में गुम हो गई हैं, लेकिन वहाँ से जिंदा वापस आना तो असंभव है। गाड़ी निकालो, जाकर उनको ढूंढते हैं। फिर भाग गए। बहुत प्यास लगी है। यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है, लेकिन एक अच्छा आइडिया है। बस रास्ता बता दे। थोड़ा नमक ज्यादा है। पानी खत्म हो गया। अरे वाह, मजा आ गया। पानी, वेटर एक ग्लास पानी देना। उन मुर्गियों के पास पंख थे, फिर भी वो उड़ नहीं रहे थे। उनके पास चद्दर वगैरह हो तो अच्छा है, वरना ये ठंड वो सह नहीं पाएंगे। नींद नहीं आएगी, ठंड कुछ ज्यादा ही है। इन पंखों से चादर बनेगी क्या? हम पकड़े गए, जल्दी भागो। पत्थर, ये पत्थर तो टूट रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? सुबह और रात के तापमान में तीव्र परिवर्तन आने की वजह से पत्थर टूटने लगते हैं। देखो सच्ची।
जैक, तुम हम सब भाइयों में सबसे होशियार भाई हो। चलते रहो, बस पहुंच गए। भाई, हम कल बिल्कुल नहीं सोए हैं। चलते चलते सोने की कोशिश करो। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ हम जेल वापस चलते हैं। कब ना मैं भूख और प्यास से मर जाऊंगा, लेकिन जेल वापस नहीं जाऊंगा, इसमें कोई शक ना है। क्या हम थोड़ा आराम करें? ठीक है, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं। अगर आसमान में पंछियों का झुंड मंडरा रहा हो, मतलब वहां नीचे जरूर कुछ न कुछ है। क्या तुम सब ठीक तो हो ना? काय, मैं दूसरी दुनिया तो नहीं पहुंच गया? ये कोई मुर्गियां वगैरह नहीं, ये तो हमारे लोकप्रिय डाल्टन्स हैं। सर जी, मुर्गियां वापस आ गए, उनको मुर्गा बनाना है कि नहीं देखिए। रेगिस्तान में गंदगी फैलाना मना है, अपनी मुर्गियों से साफ सफाई करवा लेना। गांव के सरदार कितने समझदार हैं, मुर्गियां अपने पंख से रेगिस्तान साफ करेंगी। वाह। हमें मदद चाहिए, यहां से भागना है तो कोई अंदर का ही आदमी हमारी मदद कर सकता है, लेकिन कौन? संस्कारी मैडम यही काम किए। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? लोग अक्सर दोस्ती में ऐसा करते हैं। मस्त वाला आइडिया, दोस्ती का नाटक। आइडिया तो अच्छा है, मैं नाटक करने को तैयार हूँ। मैं करूँगा। नहीं, मैं करूँगा। सपने मत देखो, फ्रेंडशिप का आइडिया मेरा था, तो नाटक भी मैं करूँगा। हेलो बॉयज। ऐसा वर्कआउट करूंगा कि वो देखती रह जाएगी। तुम्हारी बारी जो, मैं तो बहुत थक गया हूँ। चिंता मत करो मेरे भाई, इस बुक में सब कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है कि अगर कोई लड़की को इम्प्रेस करना हो तो एक जेंटलमैन बनो। मेरा होते हुए आपको ये बैग उठाने की जरूरत है। लेडीज फर्स्ट पहले। तो सबको बहुत बहुत थैंक यू। ये दोस्ती काम नहीं कर रही, कुछ और सोचना पड़ेगा। यह लिखा है कि अगर ऐसा करने से बात ना बने तो थोड़ा एक्शन ट्राई कर सकते हो। हम एक्शन ट्राई करेंगे। कोई और है जो संस्कारी मैडम को इंप्रेस करना चाहता है? आपके लिए। ओह सुनो, ऐसे लग रहा है संस्कारी घोड़े दौड़ रहे हैं। मेरे साथ चलो। अरे दावड़े कुछ तो बोल। संस्कारी मैडम की संस्कारी तारीफ करो जो। अरे उसका हाथ पकड़ो,
क्यों जा रहे हो? मुझे लगा तुम मुझे मेरे प्लैनेट पर वापस ले जा रहे हो। अरे हार मत मानो भाई, तुम कर सकते हो। तुम ये मत बोलना कि हमें यहाँ से भागना है बाज। हाँ हाँ, मुझे यहाँ से भागना है। बताओ मैं क्या करूँ? ये बुक बाय हार्ट कर लो। तुम्हारी आंखें जैसे रास्पबेरी, नहीं तुम्हारे गाल जैसे रास्पबेरी, तुम्हारी आंखें इतनी गहरी जैसे रास्पबेरी, नहीं गहरी जैसे समंदर भाई, समंदर। इतना भी कुछ हार्ड नहीं है जो। तुम्हारी आंखें जैसे पिंक स्ट्रॉबेरी और गाल जैसे, अरे यार मैं फिर से भूल गया क्या था। ए मैडम संस्कार, तुम्हारी आंखें जैसे गांव में बिना पानी का कुआं। जो तुम मुझे मेरी संस्कारी मेडिटेशन के बीच असंस्कारी तरीके से परेशान कर रहे हो। क्या रब, अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इस बॉटल में है। चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देख मेरी आंखों में, देख सच्चाई है, देख देख ये देख। वाह इतनी सारी सच्चाई। जी ये आपके लिए पेश है, गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा शरबत। थैंक यू संस्कारी। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन संस्कारी। दिल छोटा मत करो, कोई तो होगा जो तुमसे दोस्ती कर लेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। शायद नहीं, पक्का बहुत टाइम लग जाएगा। क्या भाईचारा है इनमें। हमें पत्थर चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। पत्थर पत्थर मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो। हमारे पास तोड़ने के लिए पत्थर नहीं है, अब क्या उन्हें वापस जोड़ दें? सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। तुम सब पत्थर तोड़ तोड़ के थक नहीं जाते? नहीं है तो मजे करो ना। अरे बस टाइम पास होता है रे, बिना जिम के वर्कआउट भी हो जाता है। ये एक आर्ट है, आर्ट। चाय ज्यादा अच्छी लगती है। दमाल बकवास है ये सब, मैं तो बोलता हूँ पत्थर हड़ताल करते हैं। मेरे कोई सुनता क्यों ना? अरे भाई देखो ये मुझे कैसा पत्थर मिला, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन टूट नहीं रहा है, जरा तोड़ के दो ना। मेरे प्यारा दोस्तों, मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम सबको भला बुरा कहा, लेकिन मैं जानता हूँ मैं मतलबी हूँ, क्रोधित अप्रिय चिड़चिड़ा शैतान और चिपचिपा बदसूरत। हाँ ठीक है ठीक है, इसलिए माफी के तौर पर मैं सबको कल का सड़ा हुआ खाना देना चाहता हूँ। देखो जो कितना संस्कारी बन गया है, अपने दोस्तों का काम भी वो खुद ही कर रहा है। और मेरा क्या, मुझे कैंडीज नहीं मिलेगी? अब हम किसी गार्ड को ये रिश्वत देंगे। अच्छा मगर कैसे? ये डायमंड्स लो और हमें यहाँ से भाग जाने दो, कोई शक। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार बहुत ही हार्ड वर्ड है। वाह जो, नए दोस्त बनाना यही हमारे संस्कार हैं। इसकी नजर हम पर है, दामन छुपा दो और सही वक्त का इंतजार करो। मुझे छुपन छुपाई बहुत पसंद है और मैं समझ गया हूँ तुम यहाँ छुपने वाले हो।
मन तो करता है शेरों को यहाँ छुपा दो। डायमंड इसमें से कभी बाहर नहीं निकलेंगे, देखो। ये तो पूरे गांव को इनविटेशन दे रहा है। अवरेल के अलावा किसी की हाइट वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। अगर हम सब मुंह ना खोले तो ये जगह भी कोई बुरी नहीं है। वो चली गई। चलो भाइयों। अल्टन्स, आज तुम्हारी किचन में ड्यूटी है, भूलना नहीं। अरे भाइयों, क्या हम फ्रेंच फ्राइज खा के भाग सकते हैं? तुम अपनी ये बकवास बंद करो, जल्दी करो। भैया आराम से, आप छिलके के साथ आलू भेज रहे हो। ये सब काम करने की अब हमें जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत डायमंड्स है। डायमंड्स? अरे मेरा डायमंड्स कहाँ गए? यीश, परेड पीछे मोड़। वो यार नहीं। या नहीं, या भी नहीं, या भी नहीं। मुझे कहीं से परफ्यूम ला दो। क्या तुम्हें डायमंड्स मिले? डायमंड कचरे में नहीं है तो कहाँ है? कोई उसे खा थोड़ी सकता। जो नए दोस्त बना रहा है, ये बात गले से नहीं उतर रही। अब शेरों से दोस्ती, कुछ गड़बड़ है। अगर लुका छुपी खेलनी है तो पहले छुपने तो दो। तो क्या अब मेरी बारी है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर डायमंड्स कचरे में नहीं है, शेरों ने खाया नहीं तो गया कहाँ? ओश, तुम्हें ये कहाँ से मिला? कचरे के ढेर में पड़े पड़े चमक रहे थे तो सोचा वेस्ट में से कुछ बेस्ट बनाया जाए। अच्छा है ना? सुनो जो, मैंने भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ा और हमें वो करना अलाउड नहीं। एक बार शेरों की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन जो कभी नहीं सुधर सकता। चलो से लोग काम पर लगो। ये देखिए इनको, जेल का खाना खा के मोटी आ गए। अब क्या बताएं, जेल का खाना हमें पसंद जो है। अरे जल्दी करो अकल के दुश्मन। फिर से इतने सारे छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ आते कहाँ से? पता लगाए का? शेरू आ ना, जाके पता लगाए कर जाओ। उड़नतस्तरी, इतनी सारी उड़नतस्तरियाँ, इसका ड्राइवर कहाँ पर है?
ईशा, फाइनली हम लोग आजाद हो गए। अफरल, वो कौन रह गया? अरे मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैंने ज्यादा लंबी सुरंग खोल दी। उछलना बंद कर और चल। अरे भाव देखो, वो बड़ बकलक फिर से भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा च्युइंगम है। अरे ससुरा नींद भगा दिया। ये लो तुम्हारे टर्टल्स वापस। तुम्हारे पास च्युइंगम है? क्या बस एक च्युइंगम? हमारे बदले में एक च्युइंगम? अरे हम लोग लाखों के इनाम वाले गुंडे हैं। अरे लेकिन वो बलून वाली च्युइंगम सच में बहुत अच्छी होती है। जब तक गड्ढा नहीं भर जाता तब तक तुम लोग इस सेल में रहोगे। आओ। ये वाला खाली है। ये सब तुमने कैसे किया? देखो, पहले हमने दीवार में छेद किया ताकि हम गड्ढे से निकलने वाली ये मिट्टी यहाँ पर रख सके। बेवकूफ, इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी भी बता दे। गड्ढा खोदने के लिए आपको चाहिए एक चम्मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्होंने हमें खाने में चम्मच क्यों नहीं दी। सुनो तो जो, मैं तुम्हें मसाज देता हूँ। थोड़ा राइट। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तेल मालिश बाद में, पहले काम खत्म करते हैं। अब हम गड्ढा कैसे खोदेंगे जो? बेवकूफो, काटा चम्मच में से चम्मच गया, काटा नहीं गया। चलो खोदो। चम्मच नहीं, काटे से। अब किसकी बारी है? शांत हो जाओ, अब मेरी बारी है। किस महान शख्स ने मेरे गीजर में मिट्टी डाल दी थी? हाँ, ये डाल्टन्स फिर से शुरू हो गए। चिंता नहीं, गांव के लोग उन्हें वापस ले आएंगे। लेकिन च्युइंग गम का बजट तो बढ़ते जा रहा है। बस हो ही गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अरे जो, तुम्हें पता है जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमने टोटल 7,770 गड्ढे खोद दिए हैं। हाँ तो क्या? तो शायद अब नीचे कुछ भी नहीं बचा। मेरा दिमाग मत खराब कर अक्कल के दुश्मन। छुरियां तीखी कर। भागना 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 भागना। हाथ लंबे, हाथ ऊपर, कसरत करो संस्कारों के साथ। झुको और कूदो, झुको और बढ़िया, बहुत अच्छे। ओ बस कर, बिना ड्राइवर के उड़ा देगा क्या? उड़न तश्तरी, तुम ठीक तो हो ना? हम कहाँ पर हैं? इतनी बड़ी मधुमक्खी। चिंता मत करो तश्तरी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। भाई भाई, तुम ठीक तो हो ना? नए कांटे मंगवाए हैं, पुराने कहाँ खो गए? अब उड़ो। गड्ढे, क्या चारों तरफ गड्ढे हैं? ये गड्ढे मैंने बनाए, मेरा मतलब हमने मिलके बनाए। मुजरिम भाग रहे हैं, पूरे संस्कार। मत भागो, मैं कहता हूँ मत भागो। भैया हम भी भागते हैं। Hey!
अब मैं इतनी सारी च्यूइंग गम्स कहां से लाऊं? हम आजाद हैं, आजाद हैं। वाह, डाल्टन्स। अब जब तक तुम्हारे साथी मुजरिम वापस नहीं आ जाते, ये जेल का रिनोवेशन तुम ही करोगे। वाओ, लगता है मैं मेरे प्लेनेट पर पहुंच गया। क्या बात है? अरे भाई लोग, आज क्या टाइम पास करने का है? जादूगर जोजो के साथ बारिश में डिस्को स्टाइल डांस करना है, छम छम छमा छम। लेकिन बारिश कहाँ है? डिस्को भी तो नहीं है। हेलो संस्कारी कैदियों, आज बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है तो हम सब बारिश में नहाएंगे। ना 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 ना, नहीं, उसे डांस कहते हैं, देखो। प्लीज रोना बंद करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे बस इतना ही, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। काश उतना ही आराम से हम जेल से निकल पाते। वाह वाह, क्या संस्कार है! अब नहाने की बारी तुम सबकी। जोर के झटके, देखा, इसलिए मैं कभी नहीं नहाता हूँ। हाँ तो कम से कम परफ्यूम तो लगाओ। क्या बात है, ये ज्यादा मजेदार है। अरे जिंगा लाला हू हू, सुन रहा है तू तू? जिंगा लाला हू हू, सुन रहा है तू तू? जिंगा लाला हू हू, सुन रहा है तू तू? जिंगा लाला हू हू, सुन रहा है तू तू? जिंगा लाला हू। तुम तो मुझसे भी अच्छा डांस करते हो, मुझे भी सिखाओगे क्या तुम? ये यार सुन, तुमने तो मुझे नाला दिया। कहाँ गए थे? बादलों के नीचे वो गायब हो गया था। क्या कहा गायब? अब तो बादल भी गायब हो गए। सुनो, एक मस्त वाला आइडिया है। पहले अवरल एक बड़ा सा बादल बनाएगा, हम उसके नीचे छुपकर गेट तक जाएंगे और जैसे ही गेट खुलेगा हमें मिलेगा छुटकारा, आजादी। वैसे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। आजकल अच्छी न्यूज छपती ही नहीं। वही तो। अरे ना कोई चोरी ना कोई लूटपाट। ब्रेकिंग न्यूज, जो ने अपने भाइयों की कुटाई की क्योंकि वो सुन नहीं रहा था। देखो दरवाजा खुला है, निकलते हैं। सही मौका, नाच अवरल नाच। अरे नाचू? अरे नहीं, सबके सामने मुझे शर्म आती है। सबके सामने मुर्गा बनने में शर्म नहीं आगे? अरे जिंगा लाला हू हू, फिर से आजा तू तू। जिंगा लाला हू हू, फिर से आजा तू तू। जिंगा लाला, मैं सोच रहा हूँ कल से नहाना शुरू कर ही दूँ। काल करो सो, आज करो, आज करो सो, अब गमछा लाए का। अवरल रोकियोगा, नाचो नाचो। अरे ताल से ताल नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे नाच नहीं सकता जो। हाय जिंगा लाला हू हू, वापस आ जा तू तू, मार खा रहा हूँ हूँ। जिंगा लाला हू हू, अरे मार नहीं खाना हूँ हूँ। जिंगा लाला हू। ये लो, अब बाल्टी लाने की भी जरूरत नहीं। हाँ लेकिन जो गमछा गीला हो गया उसका क्या करेंगे? मिस बेटी कहती तो रेनकोट पहन लेता, इतने बड़े छाते की क्या जरूरत थी? मुझे मत मारो प्लीज, मैंने ये नहीं किया है।
जैक और विलियम एवरल सब आ गए क्या? चलो भागते हैं कोई शक चला या इश या या वो या या ओए चपल गंजुओ अगर तुम लोग थोड़ा फ्री हो जाओ तो ये गेट बंद कर देना ताकि कोई भाग ना सके। भाइयों हम लोग आजाद हो गए। ग्यारह दोस्तों हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आप लोग से मिलते चले। बहुत अच्छा किया जो कि तुम यहाँ चले आए। आओ तुम्हारी मेहमान नवाजी करते हैं। दरवाजा खोला। कौन है वहाँ? डॉल्टन। हमें वापस अंदर आने का है। पहले पासवर्ड तो डालो। पासवर्ड? ये क्या बकवास कर रहा है? हमने हमारी सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर दी है। पासवर्ड के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता अब। चलो कोशिश करके देखता हूँ। अरे ये तो खुल गए। अरे जो तुम आदमी नहीं जादूगर हो। ओ डाल्टन तुम सही वक्त पर आए हो। जादूगर जोजो आज हमें अग्नि डांस सिखाने वाले हैं। आग पे नाच। और रुक जा, तुझे बताता हूँ अग्नि डांस कैसे करते हैं। कभी पानी कभी आग। तू नॉर्मल डांस नहीं कर सकता क्या? कोई शक।